Hey, yo, what's up, filmies? Welcome to another reaction videos. तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ अपना मराठी भाई लोगों के लिए एक मराठी मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर का रिएक्शन, जिसका नाम है सटर्चा सलमान बोल के एक ऑफिशियल ट्रेलर आया है। तो चलिए देखते हैं, रिएक्शन करते हैं, रिव्यू करेंगे, मजा बहुत आएगा। तो चलिए दोस्तों हमारा ट्रेलर हो गया है शुरू। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन यांना कुली चित्रपटाच्या चित्रीकरणा दरम्यान अच्छा कुली का टाइम जो तकलीफ हुआ था हमको। आता देशाला तुझी गरज आहे अरण्या। बच्चन साहेबांनंतर त्यांची जागा तूच घेऊ शकतोय ना। मी कोणी नाही होऊ शकत, पण माझा पोरगा एवढा मोठा सुपरस्टार होईल की अख्खा जग त्याची एक झलक बघायला। अच्छा सुपरस्टार बनेगा। ओहो, ये कौन है? स्वराज्य काम करू करू कंटाळू। तेवढे हिरोचा बघा ना, किती जरी आपटली तरी रिक्षाची BMW होत नसते। एक चान्स द्या सर, तुम्हाला सचिन खेडेकर सरांची गरजच पडणार नाही सर। आम्ही थोडा असा बी इकडे राईट अँगल इकडे इकडे पिंपळाचं झाडाकडे सेम सलमान सलमान भाई BGM बहुत अच्छी है। मला खरंच वाटलं नव्हतं की माझ्यासारख्या पोराचं एवढं कौतुक होईल, पण मी आता तुमचा आदर्श ठेवून अभिनयावर लक्ष देणार। ओहो भाई, बहुत ही मजेदार मूवी होने वाला आहे। आता तू बघ, आपल्या सातारचा सलमान अख्ख्या जगाचा सलमान झाल्याशिवाय राहणार नाही। और पीछे का BGM बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। शूटिंग सोडून इथं कशाला आला तू मरायला? सोडून नाही आलो रे, मला काढून टाकलं त्यांनी। याच्या जरी काहीच होऊ शकत नाही, कारण जन्माला आल्या आल्या याने आपल्या आईला कळलं। अच्छा ये इंसान बुरा हो गया, ये शायद उनका बाप। नाही जबाबदार धरू नका, माझ्या आत्महत्येला मी आणि माझं फुटकं नशिबच जबाबदार आहे। माझ्या घरी जाऊयात का? सगळे झोपले असतील। हिला कधी काढली तू? ती माधुरी नाही आपल्या टाईपची, आणि तसाय माधुरीचा जमाना गेला। आता दीपिका। आहा BGM तो भाई हिला के रख देने वाला है। ओहो क्या सच में एक्टर बन पाएगा? यही तो देखने के लिए आपको मूवी में जाना पड़ेगा। इस मूवी को देखने के लिए थिएटर में जाना पड़ेगा। आहा अच्छा अच्छा सॉन्ग भी देखने को मिलेगा भाई। स्टोरी बहुत ही फ्रेश निकल के आया है भाई, रीमेक नहीं है, ओरिजिनल है, सपोर्ट करना चाहिए। 3 मार्च आ रहा है भाई 2023 में। सही है भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ओरिजिनल कंटेंट का एक अलग ही मजा है। और जब इंडिया में हम देखते हैं ना अलग अलग इंडस्ट्री से ऐसा अच्छा अच्छा काम निकल के आता है भाई, प्राउड फील होता है। सही है एज एन इंडियन। सही है, तो मराठी इंडस्ट्री अभी बहुत अच्छा काम तो कर ही रहा है, लेकिन ये मूवी भाई मैं भी मुझे भी भाई एक्टर बनने का शौक है थोड़ा बहुत, तो रिलेट कर पाया हूँ कि कितना मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है। मतलब ऐसा ऐसा नहीं होता है, मतलब हमारा देश में इतना सारा लोग है और उनमें से शायद 80% लोगों को तो भाई कभी ना कभी ये ख्याल आता ही है कि भाई शायद मैं भी पिक्चर का हीरो होता, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, किस्मत अपनी अपनी। तो भाई यही कॉन्टेंट के ऊपर ये मूवी बनने जा रही है, तो अच्छा लगा मेरे को। अभी टेक्निकल बात करें तो भाई बंदे, ये बंदे का मैंने इससे पहले कोई भी मूवी या फिर ट्रेलर टीजर सॉन्ग्स कुछ भी नहीं देखा। मेरे को बहुत अच्छा मतलब लग रहा है, ये बंदा अच्छा एक्टिंग कर पाएगा और फ्रेश एक एटीट्यूड निकल के आ रहा है, तो ओवरऑल मेरे को अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और मैं इस ट्रेलर को भाई रेटिंग दूंगा 5 में 4.3 भाई, मेरे को ठीक ठाक लगा। सही है, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसा वीडियो देखना चाहते हो तो भाई को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। सही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा बाय बाय।